हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में रहने वाली पैस्टरल कम्युनिटीज के बारे में जानने के बाद आज हम लोग पैस्टरलिज्म इन अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। अगर हम वर्ल्ड्स टोटल पैस्टरल पॉपुलेशन की बात करें तो 50% पैस्टरल पॉपुलेशन अफ्रीका में ही पाई जाती है। आज भी करीब 22 मिलियन अफ्रीकन्स अपने लाइवलीहुड के लिए पैस्टरल एक्टिविटी पर ही डिपेंड करते हैं और इसीलिए हम लोगों के लिए पैस्टरलिज्म इन अफ्रीका के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, अफ्रीका में बहुत सी पैस्टरल कम्युनिटीज रहती हैं, जैसे कि मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना। ये कम्युनिटीज अपने पास कैटल, गोट्स, शीप, कैमल्स और डोंकीज को रखना पसंद करती हैं। ज्यादातर ये कम्युनिटीज सेमी एरिड ग्रासलैंड्स और एरिया डेजर्ट्स में ही पाए जाती हैं। पैस्टरल एक्टिविटी के साथ साथ ये कम्युनिटीज कुछ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करना पसंद करती हैं। इंडियन पैस्टरलिस्ट की तरह अफ्रीकन पैस्टरलिस्ट की लाइफ में भी कॉलोनियल रूल के कारण बहुत से चेंजेस आए। आज हम लोग अफ्रीका में रहने वाली ऐसी ही कुछ पैस्टरलिस्ट कम्युनिटीज के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आखिर कॉलोनियलिज्म के कारण उनकी लाइफ में कौन कौन से बदलाव आए। तो आइए दोस्तों, पूरी एनर्जी के साथ आज का लेक्चर शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, पैस्टरलिज्म इन अफ्रीका के बारे में जानने के लिए हमें अफ्रीका में रहने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट पैस्टरल कम्युनिटी के बारे में पहले जानना है, जिसका नाम है मासाई। मासाई फ्रेंड्स कैटल हर्डर्स थे, जो मेनली ईस्ट अफ्रीका में ही पाए जाते, करीब 3 लाख केनिया में और 1,50,000 टैंजानिया में। फ्रेंड्स, हमें इस कम्युनिटी का बेसिक आइडिया तो हो गया है, लेकिन हमें मेनली डिस्कस करना है कि ऐसा क्या हुआ कि इस कम्युनिटी से ग्रेजिंग लैंड छीन ली गई और उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, कॉलोनियल रूल से पहले मासाई लैंड नॉर्थ केनिया से नॉर्दर्न टैंजानिया तक फैली हुई थी, लेकिन कॉलोनियल रूल के बाद मासाई लैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। सभी बेस्ट ग्रेजिंग लैंड को व्हाइट सेटलमेंट के लिए यूज किया गया और मासाई कम्युनिटी को स्मॉल एरियाज में रहने के लिए फोर्स किया गया, जहां उन्हें पुअर पास्चर का सामना करना पड़ा। इस पूरे प्रोसेस में मासाई कम्युनिटी ने करीब 60% ग्रेजिंग लैंड खो दी। इसी के साथ साथ लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने ईस्ट अफ्रीका में रहने वाली पीजेंट कम्युनिटीज को फ्रेंड्स कल्टीवेशन के लिए एनकरेज किया, और जैसा कि इंडिया के केस में हुआ था, वैसा ही अफ्रीका के केस में भी हुआ। कल्टीवेशन एक्सपैंड करने के लिए सभी वेस्ट लैंड को, यानी कि ग्रेजिंग लैंड को, कल्टीवेटेड फार्म्स में बदल दिया गया। पहले मासाई कम्युनिटी एग्रीकल्चरल नेबर्स को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेट करती थी, लेकिन कॉलोनियलिज्म के बाद ये सिचुएशन बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गई। इसी के साथ साथ ग्रेजिंग लैंड को गेम रिजर्व्स बनाने के लिए भी यूज किया गया। स्टूडेंट्स, जानते हैं कि गेम रिजर्व्स का मतलब क्या है? वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस लैंड का यूज किया जाता है, उस लैंड को हम लोग गेम रिजर्व कहते हैं। कॉलोनियल रूल के बाद ग्रेजिंग लैंड में से 15,000 किलोमीटर तक का गेम रिजर्व बनाया गया। ऐसे कुछ गेम रिजर्व का नाम है मासाई मारा। स्टूडेंट्स, इस पूरी सिचुएशन के कारण मासाई कम्युनिटी को पुअर पास्चर, ओवर ग्रेजिंग का सामना करना पड़ा। उनके लिए अपनी एनिमल्स की फूड रिक्वायरमेंट्स का पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब हम लोगों को बात करनी है कि आखिर मासाई कम्युनिटी की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया गया। स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी में अफ्रीकन पैस्टरलिस्ट का एक एरिया से दूसरे एरिया में फ्रीली मूव करना अलाउड था, लेकिन लेट 19th सेंचुरी में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अफ्रीकन पैस्टरलिस्ट की मूवमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्हें फिक्स्ड एरियाज में रहने के लिए फोर्स किया और इन फिक्स्ड एरियाज को स्पेशल रिजर्व्स का नाम दिया।
ब्रिटिशर्स ने कहा कि इन फिक्स्ड एरियाज की बाउंड्रीज अफ्रीकन पैस्टरलिस्ट के लिए लिमिट्स हैं, यानी कि अगर उन्हें ग्रेजिंग लैंड का यूज करना ही है तो वो अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए ही करें। बिना परमिट के उन्हें किसी दूसरे एरिया में अपने एनिमल्स के साथ ट्रैवल करना अलाउड ही नहीं था। इसी के साथ साथ दोस्तों, अफ्रीकन पैस्टरलिस्ट का व्हाइट एरियाज की मार्केट्स में एंटर करना भी बैन कर दिया, क्योंकि व्हाइट सेटलर्स और यूरोपियन कॉलोनिस्ट अफ्रीकन पैस्टरलिस्ट से किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना चाहते थे। वो उन्हें डेंजरस मानते थे, और इन्हीं सब रीजंस के कारण ब्रिटिशर्स ने अफ्रीकन पैस्टरलिस्ट की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि पैस्टरल कम्युनिटीज एक एरिया से दूसरे एरिया में अच्छा पैस्टर ढूंढने के लिए मूव करती हैं। जब रेनफॉल कम होने के कारण पैस्टर्स ड्राई होने लगते हैं तो पैस्टरलिस्ट दूसरे एरिया में जाकर अपनी कैटल की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अफ्रीका के केस में दोस्तों, कॉलोनियल रूल के बाद अफ्रीकन पैस्टरलिस्ट की मूवमेंट को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। उन्हें फिक्स्ड एरियाज में रहने के लिए भी मजबूर किया गया। ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जिन एरियाज में अफ्रीकन पैस्टरलिस्ट को रहने के लिए मजबूर किया, वो एरियाज ड्रॉट प्रोन एरियाज थे, जिसके कारण पैस्चर मिलना मुश्किल था, और इसीलिए बहुत सी कैटल मरने लगी। 1930 में की गई इंक्वायरी के अकॉर्डिंग मासाई कम्युनिटी की 50% कैटल स्टार्वेशन के कारण मारी गई। जरा सोचिए, एक तरफ तो ब्रिटिशर्स ने अफ्रीकन पैस्टरलिस्ट की मूवमेंट को कंट्रोल किया और दूसरी तरफ उन्हें उन एरियाज में रखा जो ड्रॉट प्रोन एरियाज थे। इसके कारण अफ्रीकन पैस्टरलिस्ट का एनिमल स्टॉक कम होने लगा। फ्रेंड्स, हमने ये तो जान लिया कि कॉलोनियलिज्म के कारण अफ्रीकन पैस्टरलिस्ट की लाइफ कैसे डिफिकल्ट हो गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉलोनियल रूल ने सभी अफ्रीकन पैस्टरल कम्युनिटीज को इक्वली अफेक्ट नहीं किया? चलिए जानते हैं कैसे। प्री कॉलोनियल पीरियड के समय मासाई सोसाइटी दो सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, एल्डर्स और वॉरियर्स। एल्डर्स रूलिंग ग्रुप को कहा जाता, जिनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पीरियोडिक काउंसिल्स के जरिए मासाई कम्युनिटी के हर डिस्प्यूट को सॉल्व करना। दूसरी तरफ आते हैं वॉरियर्स। वॉरियर्स में मेनली यंग पीपल आते थे, जिनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ट्राइब को प्रोटेक्ट करना, अपनी कम्युनिटी को डिफेंड करने के साथ साथ। फ्रेंड्स, ये लोग दूसरी पैस्टरल कम्युनिटी की कैटल को भी चुराते थे। उस समय कैटल रेडिंग सोसाइटी के लिए बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि अगर एक पैस्टरल कम्युनिटी को बाकी पैस्टरल कम्युनिटी से स्ट्रॉन्ग बनाना होता तो कैटल रेडिंग के जरिए ही पॉसिबल था। अब हमें बात करनी है कि आखिर कॉलोनियल रूल ने मसाई एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से अफेक्ट किया। पॉइंट नंबर वन, मसाई सब ग्रुप्स के लिए चीफ्स अपॉइंट किए गए, जिन्हें मसाई कम्युनिटी के डिस्प्यूट को सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी गई। पॉइंट नंबर टू, वॉरफेयर और रेडिंग पर बैन लगा दिया, जिसके कारण एल्डर्स और वॉरियर्स की अथॉरिटी खत्म हो गई। पॉइंट नंबर थ्री, मासाई सब ग्रुप्स के लिए अपॉइंट किए गए चीफ्स कॉलोनियल रूल के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि इन लोगों ने पैस्टरल एक्टिविटी के साथ साथ नॉन पैस्टरल एक्टिविटी के जरिए भी कमाना शुरू किया। इन लोगों ने पुअर पीपल को फाइनेंशियल हेल्प देना भी शुरू किया। पॉइंट नंबर फोर, पुअर पैस्टरलिस्ट, यानी कि वो पैस्टरलिस्ट जो अपने सर्वाइवल के लिए अपने एनिमल स्टॉक पर ही डिपेंड करते थे, उन्हें स्मॉल टाउन्स में जाकर रहना पड़ा और छोटी जॉब्स के जरिए उन्होंने बैड टाइम्स को फेस करना सीखा। इन चारों पॉइंट्स के बाद दोस्तों, हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मासाई सोसाइटी में कॉलोनियल रूल के बाद दो तरह के चेंजेस आए। नंबर वन, एल्डर्स और वॉरियर्स के बीच ट्रेडिशनल डिफरेंस इंक्रीज हो गया। नंबर टू, वेल्दी और पुअर पैस्टरलिस्ट के बीच एक नई तरह की डिस्टिंक्शन इस्टैब्लिश हो गई। फ्रेंड्स, हमने इंडिया और अफ्रीका में रहने वाली पैस्टरल कम्युनिटीज के बारे में जान लिया है, और दोनों ही केसेस को डिटेल में समझने के बाद हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म के कारण पैस्टरल नोमैड्स को बहुत कुछ सहना पड़ा। उनसे ग्रेजिंग लैंड्स छीन ली गई
उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और यहाँ तक कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज पर भी बैन लगा दिया। अगर हम शॉर्ट में डिस्क्राइब करें तो उनका फ्रीली सर्वाइव करना मुश्किल बना दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी दोस्तों, पैस्टरलिस्ट ने पूरी हिम्मत के साथ अपनी डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना किया और मॉडर्न वर्ल्ड में आ रहे चेंजेस को बहुत ही अच्छे से अपनाया। एनवायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट ने हमेशा ही इस बात को सपोर्ट किया है कि पैस्टरल नोमैड्स हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और हमें उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। लर्नर्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और इस तरीके से रिवाइज करेंगे कि इस चैप्टर के सभी मेजर पॉइंट्स आप सबको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।